तो जब भी क्वेश्चन आता है ना, राइट शॉर्ट नोट ऑन द मेकिंग ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपका वर्तमान में जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसे फॉर्म हुआ, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फॉर्म करने के लिए सबसे ज़रूरी ये था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स संविधान सभा, ठीक है। लेकिन ये जो संविधान सभा है, इसका विचार कैसे आया? ऐसी हवा में तो बात होगी नहीं। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ये आई थी 1924 में, उस वक्त जब 1923 में स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश हुई थी। स्वराज पार्टी कब बनी है? 1923 में। किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने। जब चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, तब जाकर उनने पहली बार बोला कि भविष्य में तो कुछ ना कुछ तो होगा, एक संविधान सभा को बनाना जरूरी है, एक आइडिया कॉइन किया, आइडिया। उसके बाद इस आइडिया को देखो, ठीक 10 साल बाद 1934 में M.N. रॉय क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का होना जरूरी है। तो जो विचार दिया तो उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? M.N. रॉय। अब M.N. रॉय कौन थे? ही वॉज द पायोनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। भारत में वामपंथी आंदोलन के मार्गदर्शक के रूप में M.N. रॉय को जाना जाता है। इनके द्वारा स्टैब्लिश की गई पार्टी का नाम है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो वो M.N. रॉय थे। अब M.N. रॉय ने जब बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, तो पता है 1935 में, ठीक एक साल बाद, M.N. रॉय की इस डिमांड को कांग्रेस ऑफिशियली अडॉप्ट करती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, उसे आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कौन एक्सेप्ट कर रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब एक्सेप्ट कर रहा है? 1935 में, ठीक है। उसके बाद 1938 में INC की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, कौन? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि विदाउट द आउटसाइड इंटरफेरेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज। बहुत बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट है, कि जो भी आप संविधान सभा का निर्माण कर रहे हो ना, उसमें पहली बात तो बिना किसी का या किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और जो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हो वो वयस्क मताधिकार के आधार पर बननी चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। कब बोल रहे हैं? 1938 में बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस की इस डिमांड को, कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस डिमांड को 1940 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सेप्ट कर लेती है और बोल देती है कि इसे हम अगस्त ऑफर या फिर अगस्त ऑफर के रूप में कांग्रेस की इस डिमांड को वो एक्सेप्ट कर लेती है। अगस्त ऑफर का दूसरा नाम है लिन लिथ गो ऑफर। और क्योंकि ये लिन लिथ गो भारत के उस वक्त वाइसरॉय थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस डिमांड को अगस्त के महीने में एक्सेप्ट किया था, तो इसलिए इसे किसके नाम से जाना गया? अगस्त ऑफर के नाम से जाना गया। उसके बाद क्या होता है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू ब्रोक हो जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है, और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तो स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंपीरियलिज्म के ही अगेंस्ट में था, और सबसे बड़ा इंपीरियलिस्टिक अगर कोई की टेरिटरी थी तो वो किसकी थी? ब्रिटेन की थी। और सबसे बड़ा दुश्मन, अब क्योंकि जो दुश्मन ब्रिटेन के लिए था वो तो हमारे लिए दोस्त था भैया, पढ़ाया भले ही हमें ये जाता है कि जर्मनी हमारा भी दुश्मन था, लेकिन जर्मनी हमारा कभी दुश्मन नहीं रहा है। जर्मनी सिर्फ ब्रिटेन की इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी के अगेंस्ट में था, उसका सीधा सीधा हमला या फिर बोल सकते युद्ध था वो इसी के खिलाफ था, ठीक है। इतनी खराब स्थिति होती है ब्रिटेन की कि उसे फिर से भारतीयों की मदद लगती है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो क्या बोलते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करो, है ना। उनके इसी कृत्य के कारण, इसी एक्टिविटी के कारण 1915 के अराउंड भारतीयों ने
महात्मा गांधी को सेना में भर्ती कराने वाले सार्जेंट के रूप में जाना था, ठीक है। अब हमें यह पढ़ाया जाता है कि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, लेकिन महात्मा गांधी दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, भारतीयों को प्रेरित कर रहे हैं कि हिंसा का मार्ग अपनाओ और अंग्रेजों का साथ दो। थोड़ा तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, लेकिन अब आगे समझना। जब पता चलता है कि भारतीयों की मदद की आवश्यकता है ना, और लिन लिथगो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तब जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट फिर से एक ऑफर को भारत भेजती है 1942 में, जिसे कहा गया क्रिप्स मिशन। क्या कहा गया? क्रिप्स मिशन स्टेफोर्ड क्रिप्स की प्रेसिडेंसी में, अध्यक्षता में भारत आता है, ठीक है। लेकिन जब वो भारत आता है तो ये भी अनसक्सेसफुल रहता है, क्योंकि इसे मुस्लिम लीग सिरे से खारिज कर देती है। मुस्लिम लीग की एक ही डिमांड रहती है कि पहले तो विभाजन होगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, है ना। और महात्मा गांधी इसमें बोलते हैं, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक, ठीक है। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या बोला कि यह एक गिरते हुए बैंक का चेक है, या ऐसा चेक है जिसका बैंक कभी भी गिर सकता है। तो मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तब जाके मजबूरी में 1946 को, ध्यान से देखना अब इधर, तब जाके फाइनली 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। क्या भारत आ रहा है? कैबिनेट मिशन भारत आता है। इस कैबिनेट मिशन का डिक्लेरेशन, घोषणा, उस वक्त 1946 में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे एटली करते हैं। कब करते हैं? 15 फरवरी 1946 में करते हैं। तो 15 फरवरी 1946 को प्रधानमंत्री एटली एक घोषणा करते हैं, डिक्लेरेशन, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स होने हैं और जो भी ज्वलंतशील मुद्दे हैं 1946 में, उसके लिए हम एक कैबिनेट मिशन भारत भेजेंगे, है ना। तो कैबिनेट मिशन फिर क्या होता है, भारत आता है। कब आता है? कब आता है भारत? कब आता है? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहां पहुंचता है? दिल्ली पहुंचता है, जिसमें 3 सदस्य रहते हैं, 3 मेंबर्स। पहले थे कौन? ए बी अलेक्जेंडर, जो कौन थे, नौसेना मंत्री, नेवल चीफ बोल सकते हैं। दूसरे व्यक्ति कौन थे? वही स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो ऑलरेडी भारत आ चुके थे, लेकिन अभी आते हैं एज बोर्ड ऑफ ट्रेड के रूप में, है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड के मेंबर के रूप में आते हैं। और तीसरे रहते हो उस वक्त भारत के सचिव, द सेक्रेटरी या द देन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिनका नाम क्या था? पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पूछता हूं कि किसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया, तो जो भारत का सचिव रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, उसके ही तो लीडरशिप में भारत में आएगा वो। तो कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ हूम? तो आप बोलोगे पैथिक लॉरेंस, कि पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आता है। अब जब कैबिनेट मिशन भारत आ गया, तो कैबिनेट मिशन को कांग्रेस भी एक्सेप्ट करती है और मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट करती है, ठीक है। जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत आता है, तो जुलाई 1946 में टोटल 389 सीट्स निर्धारित की जाती है। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। कितनी सीट है? 389। इस 389 सीट्स में से 292 ब्रिटिश प्रोविंस की है। ब्रिटिश प्रोविंस मतलब ब्रिटिश प्रांतों की थी, है ना। अब ब्रिटिश प्रोविंस वो ब्रिटिश प्रोविंस थे जहां पर विधानमंडल, लेजिस्लेचर हुआ करता था, मतलब जहां पर हम लोगों को चुन के भेजते थे, समझना बात को। 4 वो टेरिटरीज थी जहां पर ब्रिटिश के ही चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है। 389 में से अभी टोटल कितनी सीट होगी यहां तक? 296, जहां पर डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। और रिमेनिंग सीट्स जो है वो 93 उनकी है, जहां पर राजा महाराजा अपना प्रतिनिधित्व भेजते थे। ये कहलाती है देशी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, समझ में आया। तो देखो, जहां राजा महाराजा अपना प्रतिनिधित्व भेज रहे हैं, मतलब वहां तो नॉमिनेशन हो रहा है, ठीक है। इलेक्शन कहां हो रहा है? इन 296 सीट्स में हो रहा है, ठीक है। तो जुलाई 1946 को पहली बार यह तय किया जाता है कि देयर आर 389 सीट्स अलॉटेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि संविधान सभा के लिए हम कितनी सीट निर्धारित करें, 389। अब देखना, उसी 389 पर कितनी सीट पर चुनाव होगा, तो 296 पर चुनाव होगा, क्योंकि 93 तो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है,
ठीक है। इस 296 पर जब चुनाव होता है तो पता है कौन कितनी सीटें जीतता है? सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो पार्टी बन के आती है उसका नाम रहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कितनी सीट जीतती है? 208 सीट। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है मुस्लिम लीग, वो कितनी जीतती है? 73। उसके बाद तीसरे नंबर पे अन्य आ जाते हैं, अन्य मतलब निर्दलीय, जिनका कोई दल नहीं था, ना मुस्लिम लीग ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिपेंडेंट 15। यहां मैं लिख देता हूं अदर्स, टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है? 296। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव होता है तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी बन के आती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये पूरी कहानी है आपकी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कब तक की? 1946 तक की। क्लियर है?